वेलकम बैक। तो आज के दिन हम लोग स्किबिडी टॉयलेट का एपिसोड 63 चेकआउट करने वाले हैं। हम लोग उसकी अच्छे से सीक्रेट्स और एनालिसिस को चेकआउट करेंगे, क्योंकि मैं एक जाना माना प्रो डिटेक्टिव हूँ। तो चलो दोस्तों, फटाफट से इस शानदार से एडवेंचर को स्टार्ट करते हैं। यो दोस्तों, तो ये देखो, ये रहा एपिसोड 63। या हाँ, अपने अंदर एक्साइटमेंट लाओ, चलो फटाफट से इसे इंजॉय करते हैं। यो मैन, वो तो मशीन गन था, और हमारे सामने एक खतरनाक सा हेलीकॉप्टर स्किबिडी भी है। हम लोग ध्यान से देखते रहते हैं। वाओ, उसके पास तो हेडफोन है, पर मेरे पास ईयरफोन, मैं ही गरीब हूँ। कोई बात नहीं, ओके। उसने हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ा, पर हम लोग अभी भी जिंदा हैं। ओ, ओ, ओ। यार इतने दर्दनाक तरीके से मैं मच्छर भी नहीं मारता, पर दोस्तों मेरे ख्याल से ये एक नया स्किबिडी टॉयलेट है, स्पाइडर स्किबिडी टॉयलेट। उसने कितने दर्दनाक तरीके से कैमरामैन को मारा है। अरे एक सेकेंड, ये वाला गन मेरे घर वाले गन से मिलता जुलता है। ओके, हमारे सामने एक नया ब्लैक स्पीकर मैन है। वैसे ब्रो, हेलो, स्पीकर वोमैन किधर है? मस्ती का रहे हैं। उसने हमारी मदद नहीं की, साला नल्ला। स्पीकर वोमैन होती तो पक्का हमारी मदद करती। ओ माई गॉड, तो ये एक खतरनाक सा क्या कोई गाड़ी है? हाँ, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। क्या मतलब, मैं गरीब हूँ। ओ माई गॉड, म्यूटेंट स्किबिडी भी आ चुका है। ये नल्ला दोस्तों बहुत खतरनाक है, इसके पास भी हेडफोन है। यार सबके पास हेडफोन है। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से ये लोग साउंड वेव से बचने के लिए इस हेडफोन को पहने हैं। कौन सबको मार रहा है? कौन इतना ताकतवर है? कौन है जो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है? कौन है भाई? ओके, इसके ऊपर काफी सारा प्लंजर है। ओ शिट, क्या शानदार सी एंट्री है। हमारे सामने प्लंजर मैन आ चुका है। दोस्तों ये तो मर चुका था, ये अभी भी जिंदा है। ओ माय गॉड, ये प्लंजर मैन अभी भी जिंदा है। दोस्तों एक लाइक तो बनता है। हेलो प्लंजर मैन, ये अश्लील हरकत मत करो भाई, फैमिली फ्रेंडली चैनल है। ओके म्यूटेंट स्किबिडी नल्ले, हम लोग साउंड वेव निकाल रहे हैं। अरे बाप रे, एक सेकंड, इसके दिल में चाकू लगा है। दोस्तों उसके दिल में भी छेद है, मेरे दिल में भी बहुत छेद है, पर कोई बात नहीं। यो यो, ये कौन नल्ला है? ओ माय गॉड, बाल बाल बचे। वो नल्ला हमारी ऊपर मिसाइल गिराने वाला था। नाइस दोस्तों, नाइस, क्या बात है। यहाँ पे पूरी आर्मी जा रही है, कैमरामैन का ये हेलीकॉप्टर जा रहा है, और काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं। नाइस स्पीकर हेलीकॉप्टर। वाओ दोस्तों वाओ, क्या शानदार मास्टरपीस है ये वाला एपिसोड। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब हम लोग वापस से ये पूरे एपिसोड को देखने वाले हैं और इसके सीक्रेट को और अच्छे से चेकआउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत होती है। ये तो रहा न्यू हेलीकॉप्टर स्किबिडी। वाओ, ये वाला चीज तो मैंने भी नोटिस किया था। देखते हैं हम लोग इस वीडियो में किसी और सीक्रेट को पता कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये नल्ला भाग रहा है, और ये रहा एक और नया स्किबिडी, टू क्रूअल एजेंटेड। एक सेकेंड, मेरे को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती। ओ माई गॉड, तो हमने उसे हाइबरनेट कर दिया है। ओके, न्यू स्पीकर मैन। हाँ यार, मैं तो प्रो डिटेक्टिव हूँ, हमने पहले ही ये सारे सीक्रेट को देख लिया है। देखते हैं हम लोग इस वीडियो में किसी नए सीक्रेट को पता कर पाते हैं। राइट, वाई ही डिडंट हेल्प। हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है इस नल्ले ने हमारी मदद क्यों नहीं की? पता नहीं, ऐसा हो सकता है उसके हाथ में चाकू है, इस वजह से उसने हमारी मदद नहीं की। ओके, ये रहा एक जीप, और ये रहा म्यूटेंट स्किबिडी। बाप रे, ये तो एकदम बाहुबली बना है।
ओके एवरीवन है जेट पैक्स। हाँ यार ये वाला सीक्रेट तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सारे के सारे स्किबड़ी के पास जेट पैक है। ओके हम लोग जेट पैक पे और ध्यान देते हैं। हाँ ऊपर भी देखो जेट पैक है, राइट में लेफ्ट में भी जेट पैक है। ओके और ये क्या लिखा था, मैंने पढ़ा नहीं। एंड हेडफोन्स, सारे के पास हेडफोन भी है। ओ नाइस, यह हो सकता है दोस्तों ये लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए हैं इसी वजह से हेडफोन लगाए हैं। ओके नॉट एनी मोर, इसका मतलब क्या था पता नहीं दोस्तों, कुछ कुछ चीज़ें मेरे ऊपर से जाती हैं। आ क्या मतलब मैं चौथी फेलूँ। ओके या रिटर्न ऑफ प्लंजर मैन। हाँ ये वाला भी एक नया सीक्रेट है, फाइटर विद प्लंजर्स। अबे नल्ले उसका नाम प्लंजर मैन है। ओ, ओ, मेरा दिमाग इस खतरनाक से चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, ये सीक्रेट एजेंट हमारी ऊपर अभी भी नजर रख रहा है। यार मैंने कैसे ध्यान नहीं दिया, ये देखो नल्ला गली की आंटियों वाली हरकत कर रहा है, हमारी ऊपर ये नल्ला नजर रख रहा है। नाइस, और ये देखो ये हंस रहा है। काश दोस्तों मैं भी हंस पाता, मैं तो आजकल सिर्फ रोते रहता हूँ। ओके ये रहा प्लंजर मैन। हाँ मैंने भी देखा मिडिल फिंगर, ये यार ये असली हरकत नहीं होनी चाहिए थी। पर कोई बात नहीं, वो लाइक करने को कह रहे हैं सब। ये रहा नल्ला म्यूटेंट स्किबड़ी। और what did he say? उसने क्या कहा, क्या उसने कुछ कहा, मैंने तो नहीं सुना। फिर से हम लोग ध्यान से सुनते हैं अपने चारों कान, एक सेकंड, दोनों कान को अच्छे से लेके सुनो। मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया, हो सकता है दोस्तों मेरा कान खराब हो। ओके ये रहा मिसाइल स्किबड़ी जिसे हमने ब्लास्ट कर दिया। नाइस, मेरे को सिर्फ एक दो खास सीक्रेट दिखाई दिए हैं। यहाँ पे कैमरामैन और स्पीकर मैन बॉस उड़ रहे हैं। नाइस, पर दोस्तों सीक्रेट एजेंट वाला जो सीक्रेट था वो बहुत मस्त है, और ये जो वॉर है ये ऐसे ही चलते जाता है। चलो दोस्तों अब हम लोग फटाफट से एक और स्किबिडी टॉयलेट का कार्टून एनिमेशन देखते हैं, चलो इसे भी इंजॉय किया जाए। वैसे मैं ये वाला एनिमेशन स्पीकर वोमैन के लिए देख रहा हूँ। ओके तो यहाँ पे फाइट हो रही है स्किबड़ी टॉयलेट और कैमरामैन के बीच में, यहाँ पे म्यूटेंट स्किबड़ी है। नाइस दोस्तों देख रहे हो ये सारे लोग बॉक्सिंग कितना मस्त करते हैं, मैंने ही उन्हें सिखाया है। आहा तभी वो इतना मस्त कर रहे हैं। ओके तो म्यूटेंट स्किबड़ी ने मार दिया। आए काम क्यों रहा है दोस्तों, मैथ का पेपर देखने के बाद मैं भी बिल्कुल वैसे ही कांपता हूँ। आहा ओके तो यहाँ पे फाइट हो रही है और ये नल्ला भाग रहा है। ओ माय गॉड नाइस पंच, काश मेरे दुखों को भी कोई ऐसे ही खत्म कर पाता। ओ तो म्यूटेंट स्किबड़ी आगे जा रहा है, क्या होने वाला है। ओ हाँ मैं थोड़ा डिटेलिंग देख रहा था। नाइस दोस्तों हमारे सामने स्पीकर वोमैन आ चुकी है, वेरी ब्यूटीफुल। एक सेकेंड, मैं तो सिग्मा हूँ यार, मैं ये क्या चिंदी हरकत कर रहा हूँ। ओके ये क्या था, ये क्या क्रिंज छपरी हरकत थी, ये स्पीकर वोमैन हुईया हुईया काहे कर रही है। हो सकता है वो टाइकोंडो मास्टर है। ओके तो स्पीकर वोमैन सबसे अकेले फाइट करने वाली है। ओ माय गॉड ये टाइकोंडो मास्टर है। नाइस ये तो एकदम मेरी तरह एकदम प्रो है। ओ माय गॉड क्या बात, एक सेकंड, मैं तो आवाज पे फिदा हो गया। ये क्या, इस नल्ले को देखो वो जो है पटाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, पर नहीं मैं पहले लाइन में हूँ।
ओके, हमारे सामने सोल्जर स्किबडी भी आ चुका है। देखो उस नल्ले की फटने लगी, पर स्पीकर वोमैन बहुत बहादुर है। ओके, मेरे को तो लगा था प्यारी स्पीकर वोमैन मरने वाली है, पर चलो अच्छी बात है वो जिंदा है। अरे नल्ले, तेरे को मैं इतना रैप्टा रैप्टा मारूंगा, तूने स्पीकर वोमैन पे हाथ कैसे लगाया? सिर्फ मैं ही उस पे बेल्ट उठा सकता हूँ। ओके, ओ माय गॉड, स्पीकर वोमैन को इन्होंने कैद कर लिया है। ये क्या निकल रहा? ओ, ये तो पैरासाइट स्किबडी है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सो सैड, स्पीकर वोमैन इन्फेक्ट हो चुकी है। ये नल्ला क्या बोल रहा है? ओके, ये नल्ला कुछ तो कह रहा है, पता नहीं दोस्तों ये दिन में क्या सपने देख रहा है। मेरे ख्याल से वो कह रहा है स्किबडी टॉयलेट के बेस को ब्लास्ट करने का। नाइस, टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। ऑल राइट दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको स्किबडी टॉयलेट की ये शानदार सी एनालिसिस बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसी बात पे लाइक कर दो। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए पीस।